हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ क्लास 10th। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द शॉर्ट स्टोरी दैट इज अबेली। वी हैव ऑलरेडी रेड इट, नाउ वी विल कंटिन्यू इट। यू विल ओपन योर बुक एट पेज नंबर 137। एज यू नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रैंड मदर दैट इज अबेली। Now, all grandmothers, despite their varied backgrounds, are similar, particularly in their reaction to modern technology. You know that all grandmothers, they are similar in their reactions in this modern world, and they are of the same, varied in their, though they have different background. अगर इनको वो family background मुख्तलिफ होता है, लेकिन तभी इनकी जो इनका जो ये आदत होती है वो एक जैसी होती है। इन दियर रिएक्शन टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसके हवाले से इनके तई इनकी जो रिएक्शन है वो एक जैसी होती है। लाइक वन ऑफ द ग्रैंड मदर्स इन अवर नेबरहुड, जैसे हमारे हमसायगी में एक मदरहुड एक ग्रैंड मदर है, उसका कहना है व्हेन शी रेफर्स टू एन एरोप्लेन शी स्विचस टू द हॉरिफिक स्पीच द प्लेन साहब इज अराइव्ड। जब भी वो कभी एरोप्लेन की बात करती है, हवाई जहाज की बात करती है, तो वो शी इज शोइंग द हॉरिफिक दिस हॉरिफिक स्पीच, जैसे कहते हैं प्लेन साहब, और वो इसको एक ऑनर के साथ कहती है प्लेन साहब हैज अराइव्ड, जहाज साहब आ गया। द प्लेन साहब मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, या ऐसा वो कहती है ऑन हेयरिंग इट्स नॉइज़, जब वो इसका शोर सुनती है तो वो कहती है कि प्लेन साहब को बहुत ही मुश्किल होती है जब वो पहाड़ों पे चढ़ता है या इधर उधर घूमता है। टुडे प्लेन साहब वाज वेरी बिग, या कभी कभार ऐसा भी कहते हैं आज जो हवाई जहाज साहब वो बड़ा, वो बहुत बड़ा था, यानी इसको ऑनर देते हैं। दे आर नॉट नोइंग अबाउट द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। They say that when another abhi saw a plain sahab for the first time, she went to greet the plain sahab with a bundle of grass in her basket. वो कहते हैं कि जब एक हमारे हमसायगी में एक और ग्रैंड मदर थी, जब इसने पहले हवाई जहाज को देखा तो इसने इसकी जो सलाम की या ग्रीटिंग्स की कैसे किया, इसने इसका इस्तकबाल किसे किया, ग्रास के एक बॉकेट से। Then there is another episode associated with our Abhi. ये writer कहता है कि हमारे Abhi के साथ, हमारे grandmother के साथ एक और वाक़ा जुड़ा हुआ है। She and another Abhi from our community went to see a film. एक दफ़ा हमारी जो दादी थी वो दूसरी दादी के साथ, दूसरे घर के जो घर की दादी थी इनके साथ एक दिन वो फिल्म देखने गई। It was their first film and will probably be their last one. ये इनकी सबसे पहली फिल्म थी और शायद आखिरी भी बन गई, क्योंकि इसके बाद वो कभी फिल्म देखने नहीं गई। With their weak eyesight, the moon images on the screen held no more truth for them than a dream. तो इनकी जो eyesight होती है, ये जो आँखों, ये जो बीनाई होती है कमज़ोर होती है, तो ये जो मूविंग इमेजेस होते हैं जो इस पे स्क्रीन पे शक्लें आती हैं, ये जाती आती जाती रहती हैं, तो इनको ये ज़्यादा ख्वाब से ज़्यादा, या है नो मोर ट्रूथ फॉर देम देन अ ड्रीम, इनको जैसे लगा जैसे हम ख्वाब देख रहे हैं। दे वॉच्ड द फिल्म लेस एंड कंप्लेन मोर ऑफ हेडेक एंड न्यूसा, तो उन्होंने क्या, इन्होंने ज़्यादा जब वो फिल्म देख रहे थे तो इन्होंने सर दर्द की शिकायत की, हेडेक मीन्स पैनिक, हेडेक या न्यूसा मीन्स इफ यू राइट न्यूसा एन ए सिकनेस ऑफ स्टामक, जब कभी किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो इसको उल्टियाँ आती है। Shortly with my elder sister, they understood that one of their important themes in the film was about a grandmother's harassment of her daughter-in-law. तो उस फिल्म में क्या दिखाया गया था, उसको grandmother एक in-law की एक अपने एक सास अपने बहू को हरास कर रही थी,
इसको सता रही थी. द नेक्स्ट डे सा बोथ द अबीस्टिंग ऑन द रूप टॉप ऑफ देयर हाउस इज स्पीविंग विनोम ऑन द मदर इन लॉज ऑफ द वर्ल्ड. तो दूसरे दिन वो छत पे आ गई और उसके मुतालिक बातें कर दी थी और दुनिया भर की जो ये जो सास होती है इनके मुतालिक क्या जहर उगलती थी. विनोम स्पीविंग विनोम मीन्स जहर उगलना, किसी के मुतालिक किसी के मुतालिक ऐसी बातें करना जिससे हम जहर समझें. गॉड सेव अस फ्रॉम द रॉथ, ऐसे वो कहती है अल्लाह हमें बचाए. इंसिडेंटली ए गर्ल फ्रॉम आवर नेबरहुड हैड बीन मैरिड इनटू ए हाउस होल्ड वायर शी डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद हर मदर इन लॉ. तो इसी ऐसे वो कहते थे कि एक लड़की हमारी हमसायगी में इसकी हाल ही में शादी हुई है और वो अपने घर वालों के साथ ठीक तरह से नहीं रहती है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक्स.